नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी दल की हुई बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक। बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं बैठक के बाद सीएम दिल्ली रवाना, ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रेलवे की सर्विस अच्छी हुई है, ये सीएम ने कहा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। रेलवे की सर्विस अच्छी हुई है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। कई अहम मुद्दों पर सीएम ने बैठक की है, जिसको लेकर बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की, और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल दिल्ली रवाना हुए। और बता दें कि ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रेन की सर्विस अच्छी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई और शेड्यूल में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों को दो ग्रुप बनाए हैं, और इसमें से 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। शेष सभी सर्कलों में 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मिलेगी, और इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे दिन के समय भी अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है, और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, पानी, सोनीपत और जींद, इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच और विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया, उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के चलाए जा रहे घर घर कांग्रेस अभियान को लेकर तंज कसा है। सांसद ने झज्जर में ई दिशा के बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से रूबरू होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले भी इस प्रकार का अभियान शुरू किया था, लेकिन क्या नतीजा मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी रही है और वो कभी भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकलते।
कांग्रेस केवल युवाओं को भटकाना चाहती है, इसके अलावा उसका कोई और मकसद ही नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ और आप देखें इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा, चलिए मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, बल्कि मोदी जी की गारंटी वो जो चल रही है उसका भी जिला प्रशासन ने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब किया और लगभग झज्जर के हरेक वार्ड में हरेक गांव में आज उसका, मैं समझता हूँ कुछ एक आध रहेगा तो कुछ एक आध दिन बात बढ़ सकती है, अदरवाइज तो लगभग वो कंप्लीशन पर हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका भी समापन हुआ। देश में कबूतरबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में फ्रांस में एक जहाज पकड़ा गया जिसमें डोकी रूट के जरिए लोग विदेश जा रहे थे। इसमें हरियाणा के 35 लोग थे और इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आईजी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है, अब तक 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पर हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। वहीं सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा के राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के बयान पर विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि नकेल कसने वालों के लिए बनाया जाएगा, गृहमंत्री ने डोंकी रूट पर दिया बयान और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि हरियाणा में अवैध माइनिंग करने वाले लोग अपने ट्रक बेचकर ही चले गए। अवैध माइनिंग रोकने के लिए चार तरह की टीम बनाई गई जिसमें मिनिंग टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विजिलेंस और सीआईडी शामिल है। इन चारों टीमों को समय समय पर अन्य जिलों में भी अवैध माइनिंग के चेकिंग के लिए भेजा जाता है। पहले हरियाणा में भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन हरियाणा में यदि कोई खनन करना चाहता है तो उसको कानूनी तरीके से ही काम करना पड़ेगा। वहीं सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उन सभी को पूरा करना होगा। 29 जनवरी को हरियाणा में 375 इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत होगी जिसे पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी और जितने हमने चालान किए हैं हरियाणा के इतिहास में कोई हुआ नहीं। ड्राइवर अपने ड्राइवरों को ड्राइवर अपने ट्रकों को बेच के चले गए। आज 55 टोला से माल डूबता हरियाणा में डंका की चोट के सकता हूँ। आप किसी हाईवे से निकल के देखना कहीं से भी, आज आपको 10 टायर नहीं मिलेगा, आज आपको 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, 52 टोला मिलेगा। ये है कि हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया है। हरियाणा में आपने एक एजेंसी और क्या की, इन्फोर्समेंट ब्यूरो जो पुलिस की अगुवाई में चलती है और वो भी तेजी से छापेमारी करती है, तमाम गाड़ियां। हरियाणा पे हमने तीन अपनी टीम बनाई है, एक माइनिंग की है, एक एसआईटी है, एक विजिलेंस है, चौथी सीआईडी की है। एक और हमें दो एक जिले से दूसरे जिले पे चेक क्रॉस चेकिंग कराते हैं। कभी हरियाणा के इतिहास में क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। आज पंचकुला का है तो आज जींद है, जींद वाला है तो गुड़गांव है, गुड़गांव वाला है तो आज भियाणी है। ये कभी हुआ नहीं। जिसके मन में पीड़ा हो तो वही करते हैं स्क्रॉप चेकिंग, वो अर्जेंट करने वालों करा नहीं करते। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बात है कि चार चार टीम हो, चार चार टीमों की क्रॉस चेकिंग। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के 166वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में बल्लभगढ़ पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कहा कि यदि उनकी सरकार 2024 में आती है तो गृहिणियों के लिए फ्री सिलेंडर और 1100 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे, तो वहीं
बता दें कि बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी और साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे कभी पूरा नहीं करती। राजा नारसिंह का बलिदान दिवस है और उन्होंने जिस तरह से छोटी उम्र के अंदर जो बड़ा काम किया वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आज की नई पीढ़ी को शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल विकिपीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज एक क्लिक के ऊपर सारी उनकी जानकारी मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये बात कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जरूर पढ़े, उनका इतिहास जरूर जाने कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से इस देश की आजादी के लिए अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।